हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी सी 12 का जो लॉक है, हम किस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका पैटर्न हो या फिर पिन हो या फिर पासवर्ड वाला हो। ठीक है, तो आप मोबाइल का लुक देख सकते हैं और जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, अगर आपका इस तरीके का मोबाइल है और आप उसका लॉक तोड़ना चाहते हैं या फिर भूल गए हैं, ठीक है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर, जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पर पिन डालें, इमरजेंसी में जाएं, ये सब कुछ करें, तो ये सब कुछ गलत है, ठीक है। पर जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो एकदम जेन्युइन तरीका है और उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। हालाँकि इसका जो पासवर्ड है मुझे पता है, ठीक है, फिर भी मैं आपको सिखाने के लिए ये सारा प्रोसेस आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये वॉल्यूम से नीचे आता है मैन बटन, ठीक है, देख सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम अप और डाउन, और यहाँ पर ये पावर बटन जैसे बोलते हैं, तो हम इसे यहाँ पर प्रेस करेंगे इस तरीके से और इसे हम ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद अब इसे किस तरीके से हम लॉक को हटाएंगे वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें, यानी कि जो हमारा बटन है, जैसे कि पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, इन दोनों को हम एक साथ प्रेस करेंगे। जैसे कि दोनों को एक साथ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पहले ये वाला कर देना है, ठीक है, वॉल्यूम वाला, पर आपको करना है यहाँ पर पावर बटन। जैसे कि पावर बटन को हम एक साथ एक तो प्रेस करेंगे यहाँ पर, ये पहले में देख लेना, इसे प्रेस कर दिया, अब इसे कर रहा हूँ, ठीक है, इतना अंतर आपको इसमें रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इसे छोड़ देना है, देख सकते हैं आ गया है। अब काफ़ी लोगों के साथ ये तरीके की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि नो कमांड्स, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो इसे आपको हटाने के लिए और आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस लाने के लिए आपको यहाँ पर ये दो बटन प्रेस करने होते हैं, जैसे कि अप वॉल्यूम और ये पावर बटन, ठीक है, इन्हीं से ही ये एरर हट जाएगा, ठीक है। हालांकि ये एरर बहुत ही छोटा सा है और इस तरीके का एरर आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता है, हम दुकान वाले के पास जाते हैं, 300-400 रुपये वहाँ देकर अपने फ़ोन को अनलॉक कराते हैं, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करना है, आपको यहाँ पर ये अप वाली और ये आपको प्रेस करना है, ठीक है, जैसे कि ये है, इसी से ही आपका हट जाएगा। आपको एक बार नहीं, दो दो बार प्रेस कर लेना है, आपको कोई भी यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं हट गया है। अब आपके सामने यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है डाटा फैक्ट्री रीसेट। इस पर आपको जैसे कि अप, यानी कि ऊपर की तरफ का ये वॉल्यूम बटन है नीचे की तरफ, तो इनसे आपको कर लेना है यहाँ पर, जैसे कि मैं डाउन वाले बटन को यहाँ पर प्रेस करूँगा और नीचे की तरफ लाऊँगा, इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा डाटा फैक्ट्री रीसेट। आपको यहाँ पर ये शायद ही आपको यहाँ पर साफ दिखाई नहीं देता हो, पर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि मैं रात में इस समय वीडियो बना रहा हूँ और इस वजह से आपको दिखाने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पावर, यानी कि बटन जो हमारा है पावर बटन, इसे मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद अब आपको सामने आ जाता है जैसे कि कैंसल और फैक्ट्री डाटा रीसेट। फैक्ट्री डाटा रीसेट का मतलब होता है कि जो भी आपके फ़ोन में है, जैसे कि नंबर, ठीक है, और आपके फ़ोन में जो भी मटेरियल्स है वो आपका हट जाएगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम डाउन बटन को यहाँ पर प्रेस करेंगे और पावर बटन को यहाँ पर प्रेस कर देंगे। अब जो हमारा फ़ोन है वो यहाँ पर देख सकते हैं, 6 सेकंड में आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स देखने को मिलेंगे। हमारा फ़ोन एक्चुअली में एक कमांड्स देने लगता है। अब वो कमांड्स किस तरीके से देने लगता है, जैसे कि हमारा नया तरीके से जो फ़ोन है वो यहाँ पर होने के लिए, यानी कि सेटिंग्स को यहाँ पर कमांड्स मिलने लगेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं कमांड्स यहाँ पर मिल गए हैं। अब यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कि रिबूट सिस्टम नाउ, ठीक है, तो कहने का मतलब है एकदम बिल्कुल नए तरीके से चाहिए तो हम यहाँ पर पावर बटन को यहाँ पर प्रेस कर देंगे इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना होगा, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा क्योंकि अब ये पूरी तरीके से नए सिरे से हमारा फ़ोन यहाँ पर
ओपन होगा तो यहाँ पर कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है, जैसे कि 2 से 3 सेकंड, 3 मिनट भी लग सकते हैं या फिर 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये जल्दी ओपन हो गया है, पर अगर आप कर रहे हैं तो 2 मिनट भी लग सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये रुकेगा मोबाइल, ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं। तो जब तक वीडियो के लिए मैं यहाँ पर रोक देता हूँ। तो ये हमारा 2 से 3 मिनट के बाद हमारा फ़ोन यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आ जाता है जैसे कि लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश, इंडिया वाली या फिर कोई अन्य देश वाली, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पर शो हो रही है तो आपको यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि मेरे मोबाइल में तो यहाँ पर जो कि FRP जो बाईपास लॉक है वो यहाँ पर करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। पर काफ़ी लोग के मोबाइल में यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि ईमेल डालने के लिए बोला जाता है, या फिर हो सकता है आपको वहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए भी बोला जाए जो आपके फ़ोन का था, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं था और आपकी मेल भी शायद आपको पता ना हो, क्योंकि इसी वजह से हमने फ़ोन को अनलॉक के लिए यहाँ पर ही किया है, ठीक है, सारा प्रोसेस। तो इसके लिए आप बाईपास करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मिलेगा इमरजेंसी का ऑप्शन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार हैच, उसके बाद मैं आपको ये कोड बता रहा हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है, 813। अगर इस कोड को यहाँ पर आप प्रेस करके और डायरेक्ट आप यहाँ पर हैच को प्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका मोबाइल यहीं पर ही अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आपको यहाँ पर कोई भी सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी सेटअप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉक कुछ इस तरीके से काम करेगा, जैसे कि आपको एक शॉर्टकट बता देता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर 3 की जगह 2 प्रेस कर देंगे और आप यहाँ पर हैच प्रेस कर देंगे तो आपका फ़ोन एक चाइनीज मोड में चला जाएगा और आपका फ़ोन तो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा, पर चाइनीज सेटिंग्स आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को पता ना हो तो यहाँ से जैसे कि इस तरीके से प्रेस करके और हैच दबा सकते हैं, तो उनका फ़ोन एक शॉर्टकट तरीके की तरह यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका यह है, ये तो चलो मुझे पता है, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक पूरी 100% वर्क करती है। मैं यहाँ पर इसे बैक कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, तो मैं यहाँ से ही इसे सेटअप कर लेता हूँ। उसके बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है कि डाटा ऑन आप किस सिम पर रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर एयरटेल सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर कॉलिंग है वो किस चीज़ पर रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एवरी टाइम, ठीक है, यानी किसी पर भी कर सकता हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि SMS आप किस पर रखना चाहते हैं, तो मैं SMS भी एयरटेल पर कर देता हूँ। अब मुझसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, मुझसे यहाँ पर पूछा जा रहा है सेटअप ऑफलाइन, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पर मुझे यहां पर ऑफलाइन ही कर देना है, ठीक है, तो मैं इसे ही यहां पर सेटअप कर पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद में कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देता हूं। कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करने के बाद यहां पर टाइम पूछा जा रहा है, इसे आप सेटअप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसे ही इसे कर देता हूं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन नहीं आता होगा अगर आपके मोबाइल में FRP बाईपास के लिए मांगता होगा तब, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ईमेल या फिर पासवर्ड डालने के लिए आता होगा, तो वो तरीका मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। उसके बाद में आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे अगर आपके सामने इस तरीके से आ रहा तो, और आपको एक्सेप्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर पिन को सेट करना चाहते हैं, तो हम अभी सेट करना नहीं चाहते हैं, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ, देख सकते हैं। और उसके बाद में हमें यहाँ पर टर्म कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना होगा और नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देना होगा, फिर नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये ऐप्स वगैरह हैं, गेम वगैरह, तो इन्हें हम नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, अगर रखेंगे तो हम बाद में रख लेंगे, तो हम इसे यहाँ पर स्किप कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से। अब जो रियलमी है स्टार्टेड, ठीक है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब हमारा फ़ोन अब पूरी तरीके से यहाँ पर यानी कि अनलॉक हो चुका है।
आपने वीडियो में पूरे तरीके से देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं, या फिर आप किसी अन्य चीज़ पर वीडियो चाहते हैं तब भी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी वीडियो की राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।